पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजीर। मैंने अपनी वजारत में एटलीस्ट सबको सीधा तो कर दिया था। डिजर्विंग विनर था वो कौन था? उमर शहजाद था मेरे बाद। उमर शहजाद था मेरे बाद के नहीं, मेरे बाद। हां तो बदतमीजी करेगा तो फिर सुनेगा, ये तो मेरा शुरू से प्रॉब्लम है। सोच समझ के करना अभी है। तो हमारे जीजू नंबर बढ़ा रहे थे अपने कि देखो देखो मैं स्पेस का मियां हूं। कैसी शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है और घर में कैसे रहती हो? गॉसिप आंटी थी वो। ऐसे खांसता ही तो था बेचारा। नहीं नहीं नहीं, खांसता तो जान के था ना, फां 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 करके। जे मैं हुंडी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। लेकिन जब ये तमाशा घर में आई तो इन्होंने दुनिया को अपना ऐसा चेहरा दिखाया कि हम सब डर गए। हमने कहा हमारी दोस्त को हुआ क्या है, हम तो उसे फौरन बुलाने वाले थे, लेकिन हमने कहा नहीं एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, इसका गुस्सा उतर रहे दो, ठंडी हो जाए, शांत हो जाए, फिर से बुला के आराम से सारी बातें करेंगे। तो आज मेरी वो दोस्त आज हमारे साथ मौजूद है, बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजीर नताशा। आइए मेरे सर साहिब। क्या ये क्या इंट्रोडक्शन था? क्या आप बताए, आप गुस्से में तो नहीं है? आप शांत है? नहीं, क्या मतलब क्यों तुम्हें लगा है कि मैं गुस्से में रही हूं? पब्लिक का परसेप्शन था जो कि मुझे पता है कि हमारी दोस्त ऐसी नहीं है। मैंने तभी कहा कि हमें पता है ना, लोगों को लग रहा है नताशा बहुत गुस्से वाली है। जब तुम्हें कोई आके छेड़ेगा, तुमसे बदतमीजी करेगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अगर गुस्से वाला रिएक्शन होगा ना, तो जाहिर सी बात है जब मुझे कोई छेड़ेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो फिर सुनेगा, ये तो मेरा शुरू से प्रॉब्लम है। ठीक है, सोच समझ के करना अभी। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू तमाशा, हमने आपको इसलिए आराम से बुलाया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप हमें, बल्कि जब तक आप एलिमिनेट नहीं थे, सबको लग रहा था कि आप फाइनलिस्ट हैं और आप जीत रही हैं। आपको भी यही लग रहा था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। बाकी नहीं लग रहा था? नहीं, आपने बोला मेरी हरकतें ठीक नहीं है, मुझे निकाल देंगे। नहीं, क्योंकि मुझे घर के अंदर रह के तो अयाज किसी भी कंटेस्टेंट को ये अंदाजा नहीं हो सकता कि वो कैसा खेल रहा है, या बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो उसको किस तरह से पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अंदर बैठे हुए जो लोगों को, हमें तो बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि कौन जीतने वाला है। हमें सिर्फ अंदर बैठ के सिर्फ ये होता था, इसने बदतमीजी की है, इसने आज काम पूरा नहीं किया, इसने आज टास्क पूरा नहीं किया, डांट खाएगी। ये मतलब वो वाली चीजें, वो लड़ाइयां हो रही होती थी, हमें ये बात, इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि क्या होगा। इनफैक्ट जो हर वीक एलिमिनेशन होती थी उन पे हम सभी ये कहते थे आज मैं जा रही हूँ। वो कहता था, जितने भी लोग थे, उमर कहता था आज मैं जा रहा हूँ, नेहा कहती थी आज मैं जा रही हूँ। कौन एक फर्द ऐसा था जो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो नहीं निकलता? मुझे ही जाना है। आई थिंक अयाज सभी बहुत अच्छा खेल रहे थे। बदतमीजियां अंदर जो हुई वो आई थिंक किसी भी रियलिटी शो में, जो हम बाकी भी रियलिटी शो यूके का देखते हैं या इंडिया का देखते हैं, हर रियलिटी शो में लड़ाइयां, क्योंकि आप एक घर में एक जगह पर जब रह रहे होते हो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है आपको देखने के, टीवी नहीं है, बस आपस में आप लोगों ने रोज उठना है, रोज घर के काम भी करने हैं, वही खाना पकाना है, वही लड़ना है, वही सो जाना है, वही टास्क करने हैं, सब कुछ वही करना है। तो एक एक फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट तो कहीं ना कहीं आता है। भाई नताशा, जब आप स्टार्ट में हमने देखा कि आप स्टार्टिंग से ही आपने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया हुआ था कि वो बहुत ही, वो नहीं घर की बड़ी आप ही होती हैं। वो होता है ना कि घर में बड़ी होती जो आपकी चीजों को करेक्ट करवा रही होती है, यार इसको इस तरह ना इस तरह कर लो, इस तरह ना इस तरह कर लो। वो कैरेक्टर एक्चुअली मैंने बनाया नहीं हुआ, वो है आप, वो मैं हूँ अपनी असल जिंदगी में भी। मतलब मैं कहीं पे कोई गलत चीज देख रही होती हूँ तो मैं बोल पड़ती हूँ, वो चाहे मेरे खानदान में मेरे साथ नहीं, मेरी कजन किसी के साथ या मेरी किसी खाला के साथ, मेरी फुफ्फो की अगर लड़ाई हो रही है, मैं वहां पे भी अगर देखूंगी कि फुफ्फो अगर गलत है, मैं बोल दूंगी कि फुफ्फो आप ये क्या कर रही हैं। इसीलिए खानदान की शादियों में नहीं बुलाते, नहीं बुलाते हैं, हमें क्या बुलाते हैं। जहां मैं देखूंगी काम पूरा नहीं हो रहा, जहां मैं देखूंगी ना इंसाफी हो रही है, वहां पे मैं बोल देती हूँ, मैं उस पे रुकती नहीं हूँ। तो आई थिंक ये मेरा नेचर जो है वो मैंने बनाया नहीं हुआ था, वो मेरी नेचर है।
और मेरे खुल के सामने आई, वो खुल के सामने आ गई और आई थिंक लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है मुझे लोगों ने कहा आप ऑनेस्ट थी, आप एटलीस्ट आपके अंदर कोई ड्रामा, कोई आप प्रिटेंड नहीं कुछ कर रही थी, आप जो थी आप सामने थी, जब आप अच्छी थी आप पीठ पीछे भी अच्छी थी, अगर आप बुरी थी तो आप सबके सामने बुरी थी, मतलब आपको अगर बुरा लगा है कि कुछ आप लाउड हो रही है तो वो सबके सामने हो रही है, आप किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं कर रही, मुनाफिकत नहीं की आपने, नहीं मुनाफिकत नहीं की मैंने। और हमने देखा भी नताशा, जो आपने सबसे ज्यादा इसको डांटा नेहा, हाँ, और आपने बाद में जब वो रोई तो आपने उसे गले भी लगाया, हाँ, हमने आपको वो एंगल भी देखा, हाँ, कि आप एक सेंसिटिव इंसान भी है, क्योंकि मुझे लगा वो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसको उस दिन सजा दी थी, हाँ, कि तुम जेल में चली जाओ, और क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर रही थी, तो एक वजीर होने के नाते बादशाह सलामत ने अगर वजारत दी थी तो वहीं पे कुछ अथॉरिटीज भी दी थी कि अगर अपना कोई काम पूरा नहीं कर रहा तो तुम उसको ये तीन सजाएं दे सकती हो, तो सबसे छोटी वाली जो सजा थी, बिकॉज मैं उसको दोस्त भी कह चुकी हुई थी, वो मुझे देनी, बिकॉज मुझे अपनी वजारत भी देखनी थी, अगर मैं अपनी वजारत पूरी नहीं करूंगी तो बात मुझ पे आनी थी, तो मैंने उसको वो 6 घंटे की जो सबसे कम वाली सजा थी वो मैंने उसको जेल की सजा दे दी, ज्यादा ज्यादा क्या था 24 घंटे पूरे, हाँ ज्यादा ज्यादा 24 घंटे की सजा थी, वो भी मैंने दी अपनी वजारत में, वो मैंने रूबा को और मिशा, वो तो पर्सनल मसले थे, नहीं पर्सनल मसला कोई भी नहीं था, सीरियसली नहीं था, अगर तुमने शो नहीं देखा तो देखो, मैंने देखा, मैंने पूरा फॉलो किया, पर्सनल कुछ भी नहीं था, वो बाहर देखने वालों को लगा कि मैंने अपनी वजारत में एटलीस्ट सबको सीधा तो कर दिया था, हाँ वैसे ये है जो कोई अपनी वजारत में नहीं कर सका, वो काफी यूट्यूब पे कमेंट भी लोगों ने नीचे किए हुए थे कि इसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, वो काम चोर कंटेस्टेंट्स जो सिर्फ यूं करके कपड़ा उठा के यूं रख देते थे कि बस काम पूरा हो गया, मैंने उनसे पूरे पूरे फ्लोर साफ करवाए, और मुझे बाहर आके पता चला कि मेरी वजारत तो बहुत हिट हो गई है भाई, लोगों ने कहा है कि आपने तो उन लोगों से काम करा दिया जो काम करने को तैयार ही नहीं थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया कि अगले इलेक्शन में आप हमारी तरफ से खड़ी हो जाएं, नहीं लेकिन मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ये टैग किया हुआ था जब मैं बाहर गई थी कि नताशा को पाकिस्तान की वजारत अगर मिल जाए ना तो सब पीर की तरह सीधे हो जाएंगे, कुछ मिलना चाहिए इनको वैसे। अच्छा वैसे किस कंटेस्टेंट के साथ, ऑब्वियसली आप जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तमाशा की, आप हल्का फुल्का जान पहचान थी या उस लिहाज से उतना ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चेहरे खुलना शुरू हुए, हाँ, तो कौन से कंटेस्टेंट आपको सबसे ज्यादा मायूस किया, आपने जिसके बारे में बहुत अच्छा सोचा हो और फिर उसने यूं पानी फेंक दिया? राना आसिफ, हाँ, क्यों? उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी मेरी दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन उसने शो में मुझे बहुत ऐसे मेकअप भी छुपाया था आपका, मेकअप छुपा दिया था लेकिन किसी के कहने पे छुपाया था, एनीवे लेकिन हाँ उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, शदीद वाला, दोस्ती की जो उसने वाट लगाई ना, आई मीन वो और कोई नहीं, दोस्ती खत्म हो गई, आपने वो पोस्ट डाली फेसबुक पे, मी एंड राना नो फ्रेंडशिप क्रॉस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये सबको पता होना चाहिए, जो बाहर भी लोग बैठ के देख रहे थे उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए जिनको नहीं है, कि वो एक शो था, वो एक गेम शो था, और वो एक गेम था, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहे थे, जिसने भी जो भी सोचा हुआ था वो अपने हिसाब से चल रहा था, जो उसमें लड़ाइयां भी हो रही थी उसमें भी मैंने 2-3 जगह बैठ के ये बोला, यार हमारे हम बहन भाई घर में नहीं लड़ते हैं क्या, सही बात है, हस्बैंड वाइफ नहीं लड़ते हैं क्या, सही बात है, माँ बाप से भी अक्सर एक जंग हो जाती है कि नहीं ऐसे, तो मतलब ऐसे ही था कि हम सारे ही कहीं ना कहीं जानते थे, तो बीच में जो लड़ाइयां हुई है यार वो नेचुरल थी, मतलब वो कोई बनाई किसी ने नहीं हुई थी, तो किसी को भी बुरा या अच्छा कहने, बुरा तो कहने की जरूरत नहीं है उसमें, आई मीन बुरा मुंह पे कह दिया उतना काफी है, पीठ पीछे कहने की जरूरत नहीं है, आई मीन मैंने अगर बोल दिया तो मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूंगी कि वो मेरे मैंने जो रिएक्शन देना था वो मैंने दे दिया, अब वो मेरे रिएक्शन को फील करें आप, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो उस पे किसी दूसरे को जाके टैग करके कुछ बुरा कहने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप जो हमारी ऑडियंस पोलराइज हो जाती है ना, हाँ, वो आपके अगेंस्ट अगर कोई ज्यादा ज्यादा वो मतलब क्या कहते हैं वो रियल वाला एक दूसरे से दुश्मनी होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा कंटेस्टेंट नताशा जिसके बारे में आपको शायद थोड़ी सी वो हो कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है, वो अच्छी निकल आई हो इन द एंड? वो मिशेल, हाँ, मतलब मिशेल को मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मिशेल अगर अपनी गेम खेल रही होती ना तो मिशेल बहुत अच्छा खेल सकती थी, बहुत लाइट रह के, लाइक उमर शहजाद, वो बहुत लाइट रहकर ठंडे मिजाज के लोग थे दोनों, हाँ मिशेल भी ठंडे मिजाज की थी, लेकिन उसको पहले ही दिन अपनी दोस्तियों में कहीं ये भूल गई कि मैं गेम खेलने के लिए इस घर में आई हुई हूँ,
मुझे दोस्तियां अगर करनी है तो दोस्तियां अलग रखनी है, दोस्तियां बाहर जाके भी निभाई जा सकती हैं, या मुझे अपनी गेम खेलनी है, वो अपनी गेम भूल गई थी। तो आप कह रही हैं कि अरूबा ने मिशेल को बिगाड़ा? सिर्फ अरूबा ने नहीं, और भी शायद दो तीन लोगों ने साथ में उसको शायद भड़काया होगा या कुछ भी। कौन कौन? जो बाद में अंदर ही रहते हुए उसको रियलाइज भी हो गया था, वो सबको ही नजर आया। आई थिंक उसमें जुनेद भी था उस ग्रुप में, उसमें अरूबा भी थी। अकेली अरूबा को मैं बुरा नहीं कह सकती, जाहिर सी बात है कि वो एक पूरा ग्रुप था। तो आपसी सहमति के साथ आपस में जो अंडरस्टैंडिंग के तहत जो चीजें होती थी वो लोग वो क्रिएट करते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने अभी तक एक शो नहीं देखा आपस की बात है, एक एपिसोड नहीं देखी। नहीं, मेरा दिल ही नहीं करा अभी देखने को। दिल अजीब सा हुआ है मेरा बहुत सारी चीजों की वजह से, कि अंदर जो चीजें हुई और बाहर आके जो कुछ हुआ और लोगों के रिएक्शंस और सारी चीजें ना। लेकिन देखूंगी, अभी तक नहीं देखा, अलग बात है। तो वो मुझे नहीं पता होता अभी मजीद गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दे। हाँ, टीवी तोड़ देंगी अपना ये। तो मैं अंदाजे से कह रही हूँ कि वो पूरा एक ग्रुप था, तो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चीजें होती होंगी। अच्छा भाई, नताशा बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई, और फिर वो लोग जल्दी नहीं, सिर्फ फिनाले के तीन दिन मतलब पहले, फिनाले के तीन दिन पहले, मतलब हम तो फाइनलिस्ट में होना चाहिए था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, रूबा जीत गई। हाँ, आपको लगता है कि वो डिजर्विंग विनर थी या पब्लिक ने गलत वोट दिया उनको? नहीं, आई थिंक अगर वो जीती है तो यार कहीं ना कहीं उसको वोटिंग ज्यादा हुई होगी। जो बहुत सारे मतलब फैंस मेरे या बाहर लोग अब जो मुझे मिलते हैं वो मुझे कहते भी हैं कि ये कैसे हो सकता है उसको वोट ज्यादा मिल गए आपको कम मिले। ये लोगों का एतराज अभी तक चल रहा है कि ये बात हमें हमारी समझ से बाहर है कि आपको कम मिले उसको ज्यादा मिल गए, जिसने कोई टास्क पूरा नहीं किया घर का, घर का कोई काम फाइनल में काम चोर का टाइटल मिला। हाँ, जिसको काम चोर का टाइटल भी मिला, और मतलब जो भी वो करती थी वो कुछ भी गेम बट आवाम ने प्यार के से वोट किया बेसिकली। हाँ, लेकिन अगर उसको किया होगा तो आई थिंक। अच्छा नताशा, अगर आपको अपने अलावा और रूबा के अलावा कोई इस शो का कोई विनर दिख रहा था जो वाकई डिजर्विंग विनर था, वो कौन था? एक्चुअली उमर शहजाद था मेरे बाद। उमर शहजाद था मेरे बाद, करी मेरे बाद। हां, सीरियसली मैं सच बात करती हूं, बेशक दूसरों को बुरी लग जाती है। अगर मैं एलिमिनेट हो गई थी, मैं फाइनलिस्ट में नहीं थी, तो फिर उमर शहजाद को विनर होना चाहिए था। तो उमर को क्या, उमर के फैंस ने वोट नहीं किया सही से, या उमर ने फाइनल में कुछ? यार देखो, कहीं ना कहीं दो चार वोट का भी तो फर्क हो सकता है ना, कि इतने आपको वोट मिले हो, कहीं हो सकता है मेरा भी जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई हूँ मुझे को दो वोट की ही कमी रह गई हो उस दिन, तो वो कहीं हो बाजी जो घर में कह रही हूँ मैं खाना पका के वोट करती हूँ नताशा को, तो नताशा एलिमिनेट हो गई इस चक्कर में, उनका खाना नहीं पका, हमारी लड़की बाहर हो गई। ये भी, हाँ ये भी हो जाता है ना कभी कभी, बिल्कुल ये भी हो गया होगा। तो जो अगले साल जो तमाशा फैजान को, तो खैर मैं बिल्कुल भी फाइनलिस्ट में नहीं देख रही थी फैजान को तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, क्योंकि बस मुझे लग रहा था फैजान अपनी गेम ये काम कर रही है। कुछ मुझे लग रहा है कि पीछे कोई लंबी कहानी है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आके ना फैजान के बारे में पूछते, कोई अंदर से आई, कुछ अचानक से फैजान का नाम आया बीच में, ये कहानी है क्या? हम ब्रेक से आके जानते हैं नताशा कि फैजान क्यों नहीं होना चाहिए था फाइनल में। ये ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक टू कवरेज, यू आर वाचिंग द मैच विद यास, मेरे साथ मौजूद है बहुत ही धीमे मिजाज की नताशा अली। देखो वैसे तो मैं धीमे मिजाज की हूँ, हमारे साथ तो है भाई, देखो हाँ हमारे साथ तो है। तभी हंसी में जवाब है। आई थिंक ये 90% लोगों के साथ है। हाँ, बिना वजह किसी को भी आप छेड़ोगे तो गुस्सा ही करेगा। अच्छा भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपने अचानक से हमारे दोस्त फैजान शेख का नाम लिया, आपने कहा कि उसे फाइनल में नहीं होना चाहिए था, क्या फैजान ने ऐसा क्या किया? मतलब मेरी कोई उससे खुदा ना खासा दुश्मनी नहीं है, नहीं है साथ मेरी, बिना वजह नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द गेम, गेम गेम वाला फैजान शेख जिसे आप लोगों ने फुफो फुफो कहा था। आप मैंने नहीं सिर्फ कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो वो बाहर से मशहूर हो गया। पहली चीज, सबसे पहले नाम रखा रूबा ने, राइट? हाँ, पप्पू और उबा ने कहा था सबसे पहले, उसको उसी की बेस्ट फ्रेंड ने। ओके, अच्छा, एनीवे वो इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि फैजान का सिर्फ एक ही जगह पे दिमाग था पूरी गेम में, सिर्फ एक ही जगह पे, क्या के अगले बंदे को एलिमिनेट कैसे कराना है, अगले बंदे को टास्क कैसे हरवाना है, क्या पता ये गेम अगले बंदे को कैसे निकलवाना है, अगले बंदे को टास्क कैसे हरवाना है, उसके दिमाग में सिर्फ तो यही तो गेम था। नहीं, बहुत सारी चीजें करनी होती है जिंदगी में, उस घर के अंदर रह के सिर्फ एक चीज को आप लेके नहीं चल सकते। हाँ। सिर्फ आप अगर आप जब तक आपको टास्क नहीं मिला आप यूं करके बस बैठे हुए हो, या सिर्फ अपने अगर किसी की बुराई करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स में जाके बैठ गए हो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं है आपके दिमाग में सिवाय आपके दिमाग चुप बैठकर दिमाग पे जोर डालने के कि आज इसको कैसे निकलवाना है, और उनमें कोई एक नाम नहीं होता, सभी होते थे। अच्छा, सभी ये तो इसलिए मैंने कहा है कि उसने अपनी गेम अच्छी नहीं खेली, तो उसको किसने अपनी गेम बहुत ईमानदारी से खेली, आपको क्या लगता है कौन था जो जो थोड़ा सा अंडरडॉग रहा, कि लोगों को लग रहा था कि यार ये नहीं करेगा लेकिन वो कर गया? जुनेद ने अपनी गेम अच्छी खेली है। जुनेद अच्छी खेली। हाँ।
कुछ कुछ बेहतर खेला उसने, आई मीन बाकी लोगों से, बाकी उमर ने भी बहुत अच्छा खेला है। उमर ने बहुत अपने पेशेंस जो दिखाए हैं ना सबको, वो वाकई वो उसके नेचुरल थे। तो आई थिंक उमर ने भी बहुत अच्छी गेम खेली है। बाकी मुझे ऐसा लगा सबसे बड़ा अंडरडॉग इस शो का था दानिश। दानिश भाई टिके रहे हैं लास्ट वीक तक अपने टास्क को जीत कर। यस यस, हर वीक वो सेफ होते थे बाहर, उनको वोटिंग की तो टेंशन नहीं होती थी। मैं तो पूरे शो में एक टास्क जीती थी, वो भी फाइनल में जाने वाला टास्क जीती थी। उससे पहले आप भी हारी थी। नहीं थी, मुझे तो वोटिंग के थ्रू लोगों ने चेहरा के रखा। और आखिरी जो फाइनल का टास्क था वो मैंने जीत लिया था, टिकट टू फिनाले का एक टास्क था वो हमने जीत लिया था। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बादशाह सलामत का मूड चेंज हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस लास्ट वीक में भी कोई सेफ नहीं है। और आपने एलिमिनेट होने के टाइम पर बादशाह सलामत से थोड़ी सी एक शिकायत भी की थी, वो क्या थी, क्या हुआ? नहीं, एलिमिनेट होने के टाइम पे कोई शिकायत नहीं की थी, कुछ कहा, सिर्फ उन्होंने मुझे पूछा था क्या सीखा। मैंने कहा सब कुछ अच्छा सीखा है, बर्दाश्त सीखी है, और घर में जो बहन भाइयों की भी लड़ाइयाँ हो जाती है वैसे यहाँ पे भी हुई। ओके जी, पर्दा उठाने को तैयार है नताशा जी? ओके जी, क्या नताशा ने फैंस को शादी की तस्वीरें दिखाई, हटाए फैंस को? अच्छा, जब वो मियां के साथ मालदीव गई थी, कुछ इंडियन फैंस मिले थे मुझे वहां पे, तो कुछ फ्रेंड्स बन गए। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरे मियां ने अपने गूगल पे हम दोनों की शादी की पिक्चर्स निकाली और उनको दिखानी शुरू कर दी कि हम मियां बीवी हैं, ये मेरी बीवी है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। ओह, तो हमारे जीजू नंबर बढ़ा रहे थे अपने। हाँ, कि देखो देखो मैं इस फैंस का मियां हूँ। वो ये हुआ था। क्यों डर गए यार? हाँ, क्यों डर गए थे? तो आपने अपने शॉट क्रूज भी तो है ना अंदर से, याद नहीं है? अच्छा हाँ, ओहो, तो फिर आपने वो बीवर है कितनी कोने तो नहीं मरी? नहीं करे, पहले तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा तो हम लोग कहाँ खोल खोल के गूगल पे अपने फैंस को दिखाते हैं, देखो हम ये नई चीज आई है ये है। तो मुझे अजीब लग रहा था, मैं कह रही थी क्या कर रहे हैं यार, मेरे पे ट्रस्ट कर लेंगे कि आप मेरे। ये होता है जब आपका लाइफ पार्टनर नॉन मीडिया पर्सन हो तो उसको समझ जा रहा था, यकीन कैसे दिला लोगों को। ओके जी, क्या नताशा शादी से पहले बहुत देर तक सोती थी और शूटिंग पर लेट पहुंचने पर डांट पड़ती थी? हाँ, यस, ये मेरी थोड़ी सी एक बुरी आदत थी जो शादी के बाद टोटली बदल चुकी हुई है। मतलब वो लड़की जो शूट पे भी जाने के लिए जिस दिन 10:30-11 बजे से पहले आंख नहीं खुलती थी, तो 12:30-12 बजे में शूट पे पहुंचती थी, तो डांट पड़ती थी मुझे इसमें कोई शक। अब कितनी जुड़ जाती है? अब मेरी खुद ही आंख खुल जाती है 7:30-8 ऐसे, ये 7:30-8 बजे उड़ जाती है। पता किस डर से उठ रही है? कि हमारे जीजू ने दूध वाले को तस्वीर आना दिखा, देखो ये मेरी बीवी है, डर के मारे उठ रही है। नहीं नहीं नहीं, है ना, उससे पहले ही उठ जाओ कहीं ये दरवाजे से ना चला जाए। ओके, क्या नताशा बाहर मास्क लगाकर जाती हैं, हटाइए, मगर इन्हें आवाज और आंखों से पहचान लिया जाता है? आवाज से तो कोई भी पहचान लेगा। बिल्कुल ऐसे, आवाज एक बकरी आवाज है, आवाज से ज्यादा पहचानते हैं लोग, बोलने का तरीका और आवाज मेरी डिफरेंट है। हाँ, बाकी और लाउड भी होती है कभी कभार, लाउड भी हो जाती है। फिर मेरा नॉर्मली बात करने का तरीका भी थोड़ा लाउड है, तुम्हें पता है। तो मैं अगर कहीं बाहर होती हूँ, मैंने मास्क पहना होता है ना, तो फौरन आप नताशा है ना, जी जी जी, थैंक यू, आप नताशा अली तो नहीं बोल रही? अरे वाह, अबे यार, और जो बचे कुचे लोग जो आवाज नहीं पहचानते थे तमाशा के बाद वो भी पहचान, अब ज्यादा पहचानना शुरू हो जाए। अब तो डर के, हाँ हाँ, आपके लिए जगह अलग से रखी हुई है, कोने में रखी हुई, कोई नहीं आएगा। ओके जी, अगला, क्या नताशा को एक अदाकारा ने कहा था कि तुम्हें क्या जरूरत है मियां का नौकर बनने की? भाई ये क्या हो गया? हाँ, ये कहा था। क्यों? मैंने ही ये बात कही थी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसी शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है और घर में कैसे रहती हो। ओहो, गॉसिप आंटी थी वो। हाँ, मतलब क्या कैसी जिंदगी गुजर रही है और ये वो, तो घर में कैसे टाइम स्पेंड हो रहा है। तो मैंने कहा घर में जब होती हूँ तो सारा दिन घर के काम ही करती रहती हूँ, क्यों मासी नहीं रखी हुई? तो मैंने कहा नहीं मासी, मैंने आदत नहीं है रखने की, और मेरा कोई बहुत बड़ा घर नहीं है इस्लामाबाद में, तो मैं अपना काम घर का जो है वो खुद ही कर लेती हूँ, एक टाइम भी स्पेंड हो जाता है। मियाँ तो मेरा पूरा दिन ऑफिस होता है, खाना भी खुद बना लेती हूँ। अच्छा, मियाँ के क्या क्या काम करती हूँ? मैंने कहा जूते वूते पॉलिश करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा क्या जरूरत है उसकी नौकरानी बनने की, अभी से आदत डालो कि तुम्हें बिल्कुल नौकरानी नहीं बनना। तो मैंने कहा देखें, मेरा शौहर है और मेरा फर्ज है उसका पूरा काम करने। उनके अपने शौहर के क्या हालात है? पता नहीं, मुझे लगा बहुत बुरे ही होंगे, यही लग रहा है।
सीरियसली वैसे तो बहुत सारी फ्लैट मिस हुई है सीरियसली. अच्छा ये वाली पे तो मैं इतनी अपसेट हो गई. क्यों क्या हुआ था? जैसे कोई छोटा बच्चा होता है मैं ऐसे अपसेट हो गई. एक तो इस्तांबुल में इतना रश होता है, बिल्कुल. कि आप अगर वहां से इस्तकलाल स्ट्रीट के आसपास से आप निकलती हो एयरपोर्ट पहुंचते में आपको 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं रश की वजह से. फिर भी मैं 1.5-2 घंटे वहां पहुंच गई थी. मैंने अपना बोर्डिंग पास भी ले लिया. गेट इतनी दूर था कि वो चलते 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 जब तक मैं गेट तक पहुंची उन्होंने कहा बाजी गेट बंद हो गया वापस जाएं आप. तो मैं 15-20 मिनट के लिए मेरी बर्बादी होगी. अब वही होता है आपका दिमाग सुन होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा इट्स ओके रिलैक्स मतलब कल चला गया अब मैं क्या करूंगी. मैं अपनी अम्मी को फोन करके रो रही हूँ अम्मी ऐसे हो गया. अम्मी कह रही क्या हो गया है. तो फिर अगले दिन का उन्होंने फिर फ्लाइट मेरी अगले दिन पे उन्होंने खुद ही शिफ्ट कर दी विदाउट एनी कॉस्ट. अच्छा फिर मैंने अंदर ही जो होटल अपार्टमेंट मतलब वहीं से अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही मैंने बुक कराया. फिर मैं गई और फिर नताशा इससे आपने क्या सबक सीखा कि अगली बार 2 घंटे पहले जाना या 3 घंटे पहले जाना. नहीं, मैं बहुत पहले चली जाती हूं. अभी सुबह सुबह चली जाती हूं शाम के डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 1.25-1 घंटा पहले मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी भी होती हूँ. और इंटरनेशनल के लिए मैं 3 घंटे पहले जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि यार उस पे तो इमिग्रेशन में भी इतना टाइम लग जाता है. तो मैं डर गई हूँ यार मैं अपनी फ्लाइट मिस करनी. और इंटरनेशनल तो बिल्कुल डोमेस्टिक फ्लाइट में मिस नहीं कर सकती. मेरा प्रॉब्लम एक दफा वो पहले भी हुआ था. 8-9 साल पहले मैंने एक फ्लाइट मिस की थी लाहौर से कराची के लिए. तो मेरी अम्मी मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट गई. मैं अंदर जाके ही वापस आ गई. उन्होंने कहा बस बाजी प्लीज आप घर जाएं इतनी देर से कोई नहीं आता. तो मैंने अपनी अम्मी को फोन किया मैं वापस आ जाए अम्मी ये मुझे लोग जाने नहीं दे रहे हैं. अम्मी ये मेरा गुस्सा भी नहीं सुन रहे. हम जा रहे ब्रेक पे. मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिएगा सुनाई चुन दिया सवाल. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू आर वाचिंग द नेशनल रियासों में सब मौजूद हैं बहुत ही हंसमुख प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता इनको पताशाली. मैंने शुक्र है कहा ही था कि शुक्र है इस दफा नहीं इसने कहा गुस्से वाली. खत्म वहीं पे होगा. लेकिन खत्म फिर वहीं हुआ है यार. तमाशा से पहले नताशा आपका एक जो इमेज और जो एक पर्सनल आपने जिस तरह कैरी करते हैं पब्लिक में तमाशा से पहले और तमाशा के बाद क्या फर्क है लोगों की परसेप्शन में आपको लेके. बहुत अच्छा. मुझे घर के अंदर ये लगता था और मैंने बल्कि इनफैक्ट बोला भी था एक दिन बादशाह सलामत को कि मुझे एलिमिनेशन का दिन था एविक्शन का. और सबसे क्योंकि वो राय लेते थे एवरी वीक सारे कंटेस्टेंट क्या लगता है आपको आप जाएंगी या ये जाएगा ये वो. तो मैंने एक दिन बोल भी दिया था कि मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत एक क्यूट सी बबली सी लड़की का एक इमेज बना हुआ है सारे मेरे फैंस पे देखने वालों के ऊपर डॉली की आएगी बारात के बाद से. तो मुझे ये लग रहा है कि मैं रियलिटी शो में हूँ और जो मैं हूँ मैं प्रिटेंड नहीं कर पा रही हूँ. तो जहाँ मुझे गुस्सा आता है वहाँ मैं गुस्सा निकाल देती हूँ और मैं लाउड होती हूँ थोड़ा सा ना गुस्से में. तो शायद लोगों को ये मेरी हरकत चीज़ ना पसंद आई हो तो लोगों ने मुझे वोट कम किया होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल उसके ऑपोजिट था कि जब मैं बाहर निकली तो लोगों ने मुझे और प्यार करना शुरू कर दिया. अच्छा कि आपके अंदर मुनाफिकत नहीं थी. आप बहुत ऑनेस्ट थी. आप बहुत इतना प्यार मिल रहा है. अब इतना प्यार मिल रहा है डॉली के बाद तो प्यार लोगों का मिलता ही था हमेशा. हाँ, मिलता था. लेकिन जो अब उस एक डॉली को इसको मिक्स करके दोनों को मिक्स करके उस कैरेक्टर को और इसको मिक्स करके जो लोगों ने कहा है ना जो मोहब्बत मिल रही है मुझे माशाल्लाह वो बहुत प्यारी चीज है. मतलब अच्छा अक्सर आंटियां प्यार तो करी होती लेकिन वो ना प्यार प्यार में डांट भी देती हैं. तो इस तरह की कोई आंटी कोई फैन मिली आपको पब्लिक में जिसने आपको हल्का सा डांट भी दिया या हैला ये क्या किया आपने. नहीं ऐसा नहीं हुआ. कोई हर कोई मिला सपोर्टिव था आपसे. बहुत प्यार से. ये अच्छी अच्छी बात है किसी ने पब्लिक में मिल के बहुत प्यार से. वेरी गुड. ओके जी अब है पावर प्ले. तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं. दिल करता है इसके मुंह पर टेप लगा दूं. किसका नाम ज़हन में आता है? राणा आसिफ. राणा आसिफ वो बहुत बहुत जैसे खांसता ही तो था बेचारा. नहीं 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 खांसता तो जान के था ना फां 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 करके जान के इरिटेट करने के लिए बर्तनों के ऊपर चावलों में खाने के ऊपर और किचन में खड़ा होकर खांस रहा है. बाहर हम कहते थे अब देखो ये तो इसको अब क्यों खांसी नहीं आ रही किचन में. इसको खांसी क्यों आती है? पतंग करता था. किचन में छींके क्यों मार रहा है? ये बाहर आके क्यों नहीं मारता? सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए. ओके जी. लड़ाका नंद का अवार्ड किसको देना चाहेंगी? अरुबा. अरुबा? हाँ. लड़ाका नंद थी? हाँ. अच्छा सुबह सुबह सेट पर किसकी शक्ल देखने से कतराती है कि कहीं दिन खराब ना हो जाए? नहीं सुबह इसमें किसी की भी शक्ल देखना पसंद नहीं करती मैं. सबसे पहले मैंने अपने फोन में अपनी माँ की तस्वीर रखी हुई है वो मैं निकालती हूँ और मुझे सुबह उठते ही अपनी माँ की तस्वीर देखनी.
सेट पे भी आंखें बंद करके घूम रही होती है? नहीं नहीं, वो बस एक दफा देख ली, उसके बाद जो मर्जी सामने आ जाए। अच्छा, पहले माँ को देखती है, उसके बाद बाकी सब कुछ। वेरी गुड। ओके जी, ऐसा कब हुआ कि जब गलती से किसी और का मैसेज किसी और को कर दिया? सीरियसली यार, ये तो सबा कमर के साथ कर चुकी हूँ मैं। क्या बात कर रही हो? नहीं, वो एक्चुअली उसमें कोई गलत चीज नहीं थी, लेकिन हाँ जाहिर है कि मैंने तो गलत भी किया हुआ है, क्योंकि उसने पढ़ ही लिया था। पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। क्या किया था आपने? लाहौर की बात है, फिजा अली उन दिनों में नई नई लाहौर शिफ्ट हुई थी, तो वो उसको वहाँ पे शिफ्ट करवाने के लिए, मतलब उसको घर बार दिलवाने के लिए ना, मैं साथ साथ होती थी उसके उन दिनों में, मतलब मेरा कोई शूट वूट भी ऐसा नहीं था। तो सबा मैं और फिजा, हम कभी कभी इकट्ठे हो जाते थे। जब वेरी अब्बासी भी आ गई लाहौर अपने किसी शूट के लिए, तो उस दिन हम सारे ही इकट्ठे थे। तो फिजा को मैंने मैसेज करना था, और मैंने सबा को मैसेज कर दिया कि यार फिजा मेरी बात सुनो, अभी ना सबा को ना लेके आना, मैं तुम्हें बताऊंगी बाद में। और मैंने सबा को यार, उसको भी मैंने इतना मनाया, लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। कब तक नाराज है? और किसी कभी नहीं, नहीं अब सही, अभी सही है। लेकिन वो जाहिर है, वो मैं, मुझे भी कोई करता कि नताशा को ना लेके आना, मैं बाद में तुम्हें कहती हैं क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या किया, तो ये हुआ था यार। ओके जी, कौन सा गाना सुनकर गुनगुनाए बगैर नहीं रहा जाता? नहीं, गुनगुनाना नहीं मुझे सच पसंद, मैं सिर्फ इसको पता है इसकी आवाज कैसी है, अब ये अपने कानों में खूबसूरत है ना, मतलब ये नजर ही ना लग जाए अगर गुनगुनाना लग जाए। ओके जी, आपका सेलिब्रिटी क्रश? यार देखो, अगर पाकिस्तान में तो इमरान अब्बास था, था अब नहीं है वो, नहीं अब नहीं है। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, कोई एक ही हो सकता है ना, मतलब हाँ। और हम अपनी बात कर रहे हैं, टीन एज की बात कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद फिर सैफ अली खान होता था, सैफ अली खान होता। और टॉम क्रूज का तो मैंने पे लास्ट एपिसोड में बताया था। हाँ। अब तो शोर है। हाँ। काले और सफेद रंग के अलावा कौन सा कलर हमेशा पहनना चाहेंगी? रेड। रेड बहुत पसंद है। अगर स्कूल में आप टीचर होती तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती? कराटा शिकारी होती है बच्चे। यार ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पहले तो मैं टीचर ही क्यों होती? हमने लगवाया आपको टीचर। अच्छा, हाँ। मैं आपको क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट आप बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ा सकते? मैं खुद तो पढ़ लू, मैं डांट पिलाने का डांटने का सब्जेक्ट। हाँ, पहले मैं खुद, बल्कि पीटी टीचर होती। हाँ, वो डांट दे, पीटी टीचर होती। हाँ। ओके जी, जुमला मुकम्मल करें। मुझे चिढ़ है डैश झूठ बोलने से। ओके, मैं खामोश हो जाती हूँ डैश अगर मैं नाराज हूँ किसी से भी। किसी से? अच्छा जी। हंसी रोक नहीं पाती डैश किसी को बहुत ही गलत नजर से देखे। नहीं, गलत ड्रेसिंग, बहुत जिनकी कोई सेंस नहीं होता ड्रेसिंग में। उनकी ड्रेसिंग देख के मजाक उड़ा रही पीछे दोस्तों के साथ, देखो खुद क्या पहन रही। अगला वैसे ही कह रहे हैं, ये मैंने कुछ गलत किया है तभी असर तभी असर हो गई। इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा कंजूस जो अपना बुखार भी ना दे किसी को? इंडस्ट्री में? हाँ, दोस्त है अपने, बहुत सारे कंजूस हैं, तो एक कंजूस तो नहीं है मेरे ख्याल में। आपका कोई करीबी कंजूस? इंडस्ट्री में तो कोई पर्सनल करीबी कंजूस? हमारे ग्रुप में हमारा एक दोस्त है जो इंतहाई कंजूस है, और उसके पास शदीद पैसा है, लेकिन वो बहुत कंजूस है। कौन? नाम बताए। नाम बता दो। नहीं, नाम नहीं बता। बहुत बड़ा स्टार है? नहीं, स्टार नहीं है। स्टार नहीं है? नहीं, हमारा एक दोस्त है। अच्छा, इंडस्ट्री का ही है? इंडस्ट्री में नहीं है। इंडस्ट्री में नहीं है? नहीं, इंडस्ट्री का नहीं है। तो हम तो इंडस्ट्री का पूछ रहे हैं ना। नहीं, इंडस्ट्री में तो था, इसने बाहर कर दिया, इससे बाहर कर दिया, मैं पहुंच गया। ओके, ये वाला किरदार मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगी। सास बहू, नन बहू, जेठानी, देवरानी या फुप्पो? फुप्पो का किरदार मैं कभी जिंदगी में नहीं करना चाहूंगी। नहीं करना चाहेंगी? क्यों? क्योंकि फुप्पो जो है ना, ये फुप्पो तो हमारी भी है, हमारी तो अच्छी अच्छी फुप्पो है। हाँ, अच्छी भी होती है फुप्पो। अच्छी भी होती है, कह रही हमें नहीं मिली। एक दिन ना फैजान मुझे आया, कहता नताशा शो में, हाँ। नताशा यार क्या लोगों ने मुझे ये टैग देना शुरू कर दिया है, फुप्पो तुम फुप्पोइज्म फैला रहे हो और ये वो। मेरी तो फुप्पो कोई नहीं है, तुम्हारी कोई फुप्पो है? फुप्पो बाकी ऐसी होती है? मैंने कहा हाँ फैजान, ऐसी ही होती है। हमारी तो अच्छी है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वॉचिंग द नेशनल वेरी आसम, मेरे साथ मौजूद हैं नताशा अली। देखो, मैंने अब गुस्से वाली नहीं कहा, शुक्र है, देख रही है, लेकिन फिर भी बोल दिया।
अब बोल दिया। अच्छा भाई, अगला गेम है पासवर्ड गैस करना। आपको कुछ दोस्त है, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गैस करने हैं। ओके जी, रूपा मिर्जा का पासवर्ड क्या होगा? फट्टे कराने वाली बाजी। फट्टे कराने वाली बाजी। ओके जी, उमर शहजाद का पासवर्ड क्या होगा? ज़ैनब रज़ा। सिर्फ ज़ैनब रज़ा? और ज़ैनब रज़ा का पासवर्ड? उमर शहजाद। ओके जी, नेहा खान जर्मनी। जर्मनी उनका कुत्ता जी, वो है बेचारा जेरेमी है। जेरेमी को जर्मनी नाम रख दिया। ओके जी, फजान शेख पुपो। फजान अपना पासवर्ड पुपो रखा हुआ है। अदनान सिद्दीकी हमारे बादशाह सलामत, उन्होंने बादशाह सलामत ही रखा होगा। अदनान मैंने अपना पासवर्ड बादशाह सलामत रखा है। उनको बादशाह सलामत बनने का बहुत शौक भी है और उन्होंने वो कैरेक्टर बड़े अच्छे से निभाया भी है और बहुत ज्यादा वो अपने अंदर बादशाह सलामत को उन्होंने कंसीव भी कर लिया था, तो आई थिंक यही होगा बादशाह। ओके जी, जुनैद नियाज़ी कुक। कुक अच्छा खाना बनाता है? ठीक बनाता। क्योंकि वो बहुत इंस्पायर है उससे। करण जौहर से इंस्पायर्ड है? हाँ। ओके, सबा कवर। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। अच्छा, और फिजा अली? वो भी अपने आप की फेवरेट है वैसे तो। हाँ, उसके लिए होना चाहिए एक बहुत उसका इंटेलिजेंट। दानिश। कौन? दानिश भाई, हमारे दानिश भाई। दानिश मकसूद जी। पासवर्ड उनका होगा टास्क। टास्क मास्टर। सारे टास्क होने चाहिए। ओके जी, वेरी गुड नताशा, आपने ये जवाब दे दिए। अब बारी है आपके, हम दर तख्लीक साइड को देखेंगे, आप कितनी क्रिएटिव है। कुछ तस्वीरें आएंगी, आपने अगर इन चीजों के नाम रख दिया आप तो क्या होते हैं? हाँ। लगाएं पहली तस्वीर। हथौड़ा। हथौड़ा, यार वाह क्या बात है। थैंक यू। सिर्फ बजाए जा रहे हैं, इससे काम नहीं ले रहे। हाँ। वाह, अगला। आईबॉल्स। Different colors के eyeballs. यार crime master गोवा है यार ये। आंखें निकाल के गोटी के लूँगी यार, वाह वाह। हाँ, ये वो वाला है। जी अगला। जी। दो तलवारें हैं। दो तलवार, यार क्या, वाह वाह वाह। दो तलवार। दो तलवारें, very good। जी अगला। हाँ कुछ अच्छा ध्यान में आने दो, एक मिनट। अखरोट। क्या? अखरोट को क्या कहेंगे आप? बादाम है, अखरोट थोड़ी है ये। अरे इंसान को थोड़ा सा जरा सेंस से काम लेता है, बादाम को अखरोट बना दिया तुमने। बादाम, वेरी गुड। बादाम, बादाम खाया करें आप भी, पता है। अगला। बहुत जरूरी है याददाश्त सेट करने के लिए। अरे कितनी प्यारी गाड़ी है। क्या गाड़ी? गाड़ी। हाँ। अगला। इस पे बैठ के इंसान जाता नहीं है, जहां पे बैठ के जाते हैं। तो बहुत कुछ करके आई है कुछ, ये कुछ कोई दवाई पिए इसने, मैं नाम लेना चाहूंगा। तो नहीं पी लिया जी। अरे मिसाइल। मिसाइल, हाँ। वाह, अब तो मैं इस दवाई का नाम जानना चाहूंगा। अगला जी। लोटा है। ये लोटा है, ये है लोटा, और ये लोटा जो बंदा इस्तेमाल करने लगता है। हम आगे बढ़े भाई, इसको खत्म करो भाई, हेडफोन पहन लो। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे नाम रखे आपने। थैंक यू। ये अब आप असल इम्तिहान आपका, क्योंकि हम ये शो जिसमें मैं लास्ट टाइम भी फेल हो गई थी, इस बार आप पास होंगे। लिरिक्स ही नहीं आते हैं। इस बार आप पास होंगे, हमें पूरा यकीन है आप पे। हाँ, इस बार आप फ्लाइंग कलर से पास होंगे। रेडी है? यार मैं रेडी तो हूँ, लेकिन हम रेडी नहीं है मतलब। हाँ जी। जे मैं हुंदी ढोलना, ओए ढोलना सोने दी तवीतड़ी। वाह, जे मैं हुंदी ढोलना, वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। रंडी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, ना जानिया हाय जानिया सोने दी तवीतड़ी। ये
अच्छा तो गा रही हो। जे मैं होंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। वाह यार वाह नताशा, ये कैसे अच्छा गाया, ये कैसे हो गया यार? नहीं ये अच्छा तो अल्लाह रहम करे, बहुत अच्छा गाया है। गाय ना लूक गई, मेरे कान बर्ड याद थे, मेरे कान बंद तो खुल गया। ओके जी अगला गाना। हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा पर परे, आहा दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा पर परे, आहा दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह यार अच्छा तो गा लेती हूँ। नहीं नहीं अरे बहुत अच्छा गाया, वर्ड्स याद होंगे मेरे। अच्छी देखो हाँ इस तरह के पुराने गानों के फिर भी पुराने गाने ना। चले जी ये आखिरी गाना है जो कि आपने अब गाना है। अगर आता होगा तो गाऊंगी ना यार। नहीं आता फिर भी गाना है। ओके जी कि आंख में एक नशा है, आहा कानों पे उसके कानों पे उसके, वेरी गुड वेरी गुड। चन्नो की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशा है, पे भी उसकी हया है के फिर या है। नहीं आता यार। सबसे ज्यादा कान पे उसके तिल का निशा है, उसके कान में कान छन्नो के कान में कोई नहीं देख रहा, सिर्फ नताशा ने देखा है और कान के अंदर तिल का निशान है। वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच नताशा, आप आई और आपने आके ना आज हमारे गाने थोड़े ठीक करवाए। शुक्रिया। नहीं मुझे पता है मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जी जी आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने गाना बंद कर दिया। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, आप आई आपने चार चांद लगाए और अपनी दिल की बातें हमें बताई, और स्पेशली जो फैंस आपको देख रहे हैं जिन्होंने आपको तमाशा में प्यार किया, जो वैसे आपको प्यार दे रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी तो? मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे इसी तरह प्यार करते रहें और मेरी तारीफ करने के लिए और मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि मुझे अंदर तमाशा में ये लगता था कि मैं शायद मुझे कुछ मेरी फैन फॉलोइंग में कमी ना आ जाए, लेकिन आप सबने बहुत मोहब्बत दी है और प्लीज मेरी किसी भी पोस्ट को नेगेटिव ना लिया करें, उसको एक रैंडम दिमाग से सोचा करें और बस इसी तरह प्यार करें, और प्लीज अगर कुछ बात मेरी बुरी लगती है तो पहले मुझसे क्लियर कर लिया करें। अब वो पोस्ट डिलीट कर देना ठीक है। नहीं डिलीट तो थोड़ी डिलीट नहीं करूंगी मैं, वो स्टोरी पे लगा थी। अच्छा स्टोरी से मैंने तो वो डिलीट नहीं की हुई, लेकिन वो जगह जगह लगी जरूर हुई है, जो बाकी लोगों ने लगाई वो डिलीट नहीं कर रहे। नहीं करके दे रहे। थैंक यू सो मच, यहाँ पे करने आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक मैं ख्याल रखिएगा।